नमस्कार दोस्तों, यूके का एक वीज़ा है फादर और बेटी का, एक पूरी फैमिली का वीज़ा आना है लेकिन इनका दो का है, तो हस्बैंड सॉरी फादर और बेटी का वीज़ा है ये। नाम इनका गौरव भाई है और गौरव जी जो है वो लखनऊ से स्पेशल मेरे पास यहाँ आए थे। अब लखनऊ से यहाँ आना बहुत दूर बनता है भाई, वो मतलब कहते हैं जी हम एक दिन पहले चलते हैं तब जाके अगले दिन आपके पास पहुँचते हैं। इनकी प्रोफाइल जो है वो ये मेरे पास जब पहले आए थे 7-8 महीने पहले आए थे, तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके है, तो मैंने इनको, क्योंकि देखिए जब कोई दूर से आता है तो बहुत चीज़ें फील होती हैं कि एक ट्रस्ट लेकर के एक इंसान मेरे पास आ रहा है, और मुझे फिर ये होता है कि भाई अगर ये वीज़ा नहीं निकला तो फिर इसका इतनी दूर से आना व्यर्थ हो जाएगा मेरे पास। असम से भी आए थे, मैंने उनकी भी वीडियो डाली हुई है, जो 8,500 की सैलरी, 8,000 सॉरी उनकी शायद 8,000 पर मंथ की उनकी सैलरी थी जब वो मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके हैं और फाइल लगानी थी, उनकी स्पॉन्सर थी यूके से, तो मैंने उनको ना कर दिया था। मैंने उनको तरीका बताया कि आपको ये चीज़ें अपनी मेंटेन रखनी है ताकि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके 6 महीने के बाद पूरे रेडी हो जाए। यही काम इनके साथ हुआ है, जब ये आए थे मेरे पास कुछ भी प्रोफाइल मेंटेन नहीं थी, दिल्ली में इनकी सिस्टर हैं तो उनको लेकर के मेरे पास आए थे, तो मैंने इनको सारा कुछ दिया कि भाई आपको ये चीज़ें रखनी है, फिर आप 6 महीने बाद मुझे आकर के दोबारा मिलेंगे। 6 महीने बाद ये दोबारा आए और आज इनके पास में इनका वीज़ा है। प्रोफाइल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस प्रोफाइल है इनकी और 2 बार यूके से ऑलरेडी रिफ्यूज्ड हो चुके थे, तो रिफ्यूज़ल्स 2 खा चुके हैं यूके से। कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मतलब कि फ्रेश पासपोर्ट है, 2 बारी यूके से रिफ्यूज़ल्स हैं। 35,000 पर मंथ का ये प्रॉफिट ले रहे थे करंट से सेविंग के अंदर, और इनकी सेविंग जो है वो 12 लाख की थी, और इनकी बच्चे का जो है, इनकी गुड़िया जो है, उनका वीज़ा इनके साथ में अप्लाई हुआ था। तो ये जब चीज़ें ऐसी ऐसी प्रोफाइल्स जब वीज़ा लेकर के आती हैं तो भाई खुशी होती है, ख़ास तौर पे तब होती है जब इनको ये मेंटेन करने के बाद ली जाए और हमारे हिसाब से सारा कुछ मेंटेन हो। हर चीज़ जेन्युइन होती है, हर चीज़ लीगल होती है। मैं हमेशा पहले भी वीडियोज़ में मैंने बोला है कि आपके पास एक मोर हो और वो सोने का है लेकिन आपके घर में है तो वो मोर किसी काम का नहीं है। जब वो मोर जंगल में नाच रहा है किसी काम का नहीं है, वो सड़क पे दिखे तब पता चले ना कि ये सोने का मोर है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने घर में दबा करके रखे हैं, आपने अपना पैसा घर में दबा करके रखा है, आपके पास पैसा है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि अकाउंट में कैसे लेना है, तो ये जब सारी चीज़ें आती हैं तो प्रोफाइल जो है वो भाई मेंटेन्ड नहीं कही जा सकती। आपके पास बेशक 50 लाख भी क्यों ना हो बैंक में, तो हमने ऐसे ऐसे केसेस रिफ्यूज़ल देखे हैं जिनके 55 लाख रुपए अकाउंट में है फिर भी रिफ्यूज़ आया है यूके का, करोड़ों रुपए पड़े हैं, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ थे फिर भी रिफ्यूज़ल आया, वो बात अलग है चैलेंज करके ले लिया हमने, लेकिन अगर प्रोफाइल मेंटेन हो तो फिर वीज़ा निकलना ईजी हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। और ऐड वीज़ा जो है वो इस चीज़ में काफ़ी हद तक हम लोग सक्सेस रहे हैं कि आप जब आपके पास सब कुछ लीगल है तो हम आपको सिर्फ रास्ते बताते हैं कि आपको इसको कैसे दिखाना है। बहुत वीज़ा है जो चैलेंज करके लिए हैं, लगभग अभी 670 से ऊपर रिफ्यूज़ल्स जो है उनको ओवरटर्न करवाने का हम लोगों के नाम ये चीज़ गई हुई है, तो मेरे हिसाब से आप इंडिया के अंदर सर्च मार लेना, कोई भी इतने ओवरटर्न करवा करके नहीं दे रहा है यूके के अंदर पर्टिकुलरली। तो आप जो है वो टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना, मुझे आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और 1 साल की ITR विद कॉम्पिटिशन, तो ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो फिर आप टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना, टीम इतनी एक्सपर्ट है आपको बता देगी, उनको काफ़ी हद तक इस चीज़ की नॉलेज है कि भाई ये प्रोफाइल जो है वो लगाने लायक है या नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सा केस होता है तो मेरे साथ डिस्कस करके फिर आपको बता देंगे, तो टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको टूरिस्ट वीज़ा है, घूमने जाना है, या कुछ भी आपका प्लान है, या किसी पर्पस से आप मिलने जाना चाहते हो, तो आपकी हेल्प हम लोग ज़रूर कर पाएंगे। कभी 100% की गारंटी हम किसी को नहीं देते क्योंकि 100% इस लाइन में होता भी नहीं है। बेशक हमने ऐसे ऐसे वीज़े भी ले लिए हैं जिनमें 5.5 महीने 1 बारी जा करके कोई रह के आ जाए, और 2 बारी एक केस था वो 5.5 महीने 2 बारी रह के आया, अब उनका 2 साल का वीज़ा आ चुका है। तो मतलब ऐसे ऐसे केसेस जिनको वीज़ा निकलने के लिए बहुत मुश्किल होती है, इधर उधर घूम भी लेते हैं, उनको सारी जगह से ये हो जाता है कि भाई पैसा ही ख़राब हो रहा है, तो एंड ऑफ द टाइम वो हमारे पास आते हैं और उनके हाथ में अब वीज़े होते हैं, तो ये खुशी बहुत बड़ी होती है। चार्जेस कोई बहुत ज़्यादा कोई नहीं ले रहे हैं, 12-12 हज़ार रुपये में ये काम हो जाते हैं, 15,000 आगे हो जाएगा बढ़ करके, लेकिन अभी के लिए जो है वो बहुत सस्ते में हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको ये सारा चीज़ जो है वो हेल्प कर सके। बाकी वीज़ा आना ना आना प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड होता है, बहुत हद तक वीज़ा ऑफिसर के ऊपर भी होता है, कई बार अच्छी अच्छी प्रोफाइल रिफ्यूज़ कर देते हैं लेकिन फिर चैलेंज में जाके उनको लिया जा सकता है। बाकी आप सब ने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू।